बाबा का भजन भूलिया, पर मैंने खाना नहीं छोड़ा, मैंने पीना नहीं छोड़ा, मैंने सोना नहीं छोड़ा, लेकिन एक चीज में छोड़ना भूल गया, मैंने सब छोड़ दिया, क्या भजन। यदि हमारे गुरुदेव कहते हैं जिसके जीवन में भजन नहीं उसके जीवन में भोजन नहीं, पहले भजन फिर इसके बाद भोजन। पहले हमें अपने जीवन में भजन करना चाहिए, इसके बाद हमें अपने जीवन में भोजन करना चाहिए। और जिसके जीवन में भजन नहीं उसके जीवन में भोजन नहीं। पहले 2 घंटे भगवान का भजन करो, लेकिन हम सब भूल जाते हैं भगवान का भजन करना, बिल्कुल भूल जाते हैं। भोजन के लिए याद रहता है भैया अभी हमने भोजन नहीं किया, इसी प्रकार से आप याद करें कि अभी हमने भजन भी नहीं किया। उठाइए ना दोनों हाथ, क्या करेंगे, हरि और कौन करता है भजन? और भोजन कितने लोग करते हैं अपने घर में? और या भोजन घर में भोजन कोई करता है? हाथ खड़े कर लो, मुझे सबका पता है, पर भजन कोई नहीं करता। पर जब तक भोजन नहीं करना चाहिए, हमारे पूज्य पिताजी एक बात कहा करते थे, अपने जीवन में भजन करना है। बोले का कबूतर से लेकर के खा खरगोश तक का नियम बताया। बोले बेटा कामा ने कबूतर? बोले नहीं, बोले कामा ने कमाना और कमा करके फिर खामा ने खाना। अपने जीवन में भजन करना और कमा करके अपने वो अधिकारी नहीं होता है प्रसाद पाने का, वो अधिकारी नहीं होता है भोजन करने का जो ना करता हो। एक बार जरूर आप लोग, ज्यादा नहीं 108 बार भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप जब पुस्तकों से भजन हो तभी भजन माना जाए। अरे आप परमात्मा को स्नान करने के बाद जब आप तैयार होते हैं,
वस्त्र पहन करके आप तैयार हो जाते हैं तो अपने परमात्मा को सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करके 108 बार सीता का जाप करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। यदि आपने इतना ही भजन कर लिया तो आपके जीवन के लिए लाभकारी होगा। इसलिए आप अपने जीवन में भजन जरूर करें। मैं भूल गया रे भजन न करना बाबा, तेरा बाबा भूल गया। मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा भूल गया, भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा भूल। गोकर्ण जी महाराज ने पंडित आत्मदेव शर्मा से कह दिया, पिताजी ये पांच भौतिक शरीर को आप मारने जा रहे हैं। कितने जन्मों के जब पुण्योदय होते तब हमें मानव का शरीर मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद हमें भगवान मनुष्य का शरीर देता है। ये ध्यान दीजिएगा आप, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत कथा कह रही है। और फिर भी इस शरीर को बाबू स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस में बड़ा सुंदर भाविया क्या, चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावन गगन समीपा, चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावन गगन समीरा, पंच तत्वों का शरीर है हमारा। हम इसको गवा देते बहा देते पर नहीं, अपने जीवन में भजन करें तो बहाए नहीं। और भजन का एक बैंक बनाकर, पैसों का बैंक तो दुनिया बनाते पर हमारा एक बैंक भजन का भी बैंक होना है। जरूरी नहीं है कि आप जब माला लेकर के भजन करेंगे तभी आपकी एंट्री होगी, बिल्कुल नहीं। आप तो करते चलते बकते, नाम करते चलो, कृष्ण जपते चलो, उठते बैठते सोते जागते आप परमात्मा को ध्यान में रखते चलो, एक ना एक दिन सरकार जरूर आपकी सुनेगी। मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा भूल गया। ओ खाना न भूल